हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द विज्ञान अंश। टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड विद क्लास 9 साइंस एंड द चैप्टर नंबर इज 7, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन दिस वीडियो वी विल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द किंगडम मोनेरा। व्हाट इज किंगडम मोनेरा एंड विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन इट। किंगडम मोनेरा है क्या है और कौन से ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा में रखा गया, हम इसी की बात करेंगे आज। ध्यान रखिए कौन कौन से सेल इसके अंदर ऑर्गेनिज्म रहेंगे। अगर आपको एक टर्म में याद करना है तो इट कंटेन प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बस अगर आपको एक ही लाइन में याद रखना है तो इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर होते हैं, ये इसका नटशेल है। लेकिन अगर सारी बातें याद करनी उसके ऊपर करते हैं। द न्यूक्लियस इज अनडेवलप्ड सो दे हैव प्रोकैरियोटिक सेल। तो जितने भी मोनेरा के अंदर जब मोनोरेंस जो होते हैं दे कंटेन द ऑर्गेनिजम्स इन विच द न्यूक्लियस इज अनडेवलप्ड एंड हैव प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड पॉइंट, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या रहेंगे, यूनिसेलुलर। आपको पहले बता दिया दो पॉइंट्स में, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैप्ट अंडर किंगडम मोनेरा। दे मे और मे नॉट हैव द सेल वॉल। इनमें सेल वॉल हो सकती है या नहीं भी हो सकती। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि इनमें सेल वॉल होती है या सेल वॉल नहीं होती है, आगे भी इसको डिवाइड किया है बाय द कॉलबूस दैट इज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इन द आर्की बैक्टीरिया द सेलवॉल इज सेलवॉल डोंट हैव द पेप्टिग्लाइकन्स, बट इन द केस ऑफ यू बैक्टीरिया दे हैव द पेप्टिग्लाइकन्स इन द सेलवॉल। यू का मतलब यहां सेलवॉल प्रेजेंट है, ये थोड़े पिछले वालों से एडवांस है, ये बाद में डेवलप हुए हैं और आर्की बैक्टीरिया पहले से डेवलप हुए। आर्की बैक्टीरिया में क्या आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन अलगी। देखिए अलगी शैवाल है लेकिन ध्यान रखना है कि इट इज नॉट ए ट्रू अलगी, राइट। तो ब्लू ग्रीन अलगी इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्की बैक्टीरिया। ओके, देन दीज ऑर्गेनिज्म दोज डोंट हैव द सेल वॉल वर नॉन एज पीपीएलओ। जिनमें इसमें से सेल वॉल नहीं थी उनको क्या कहा गया था, पीपीएलओ अप टू 1930, और आफ्टर दैट माइक्रोप्लाज्मा टर्म वाज यूज्ड। उसके बाद उनके लिए क्या टर्म यूज कर दिया गया, माइक्रोप्लाज्मा टर्म यूज कर दिया गया था, राइट। तो ध्यान रखना है, फिर एक और टर्म आया यहां पे हमारे पास माइक्रोप्लाज्मा। देन दीज मे बी ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म दोज प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक। एग्जाम्पल क्या हमारे पास, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाता था, पर्पल बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी अपना खाना खुद बना रही, ठीक है। और मे बी हेटरोट्रॉफिक, अगर हम हेटरोट्रॉफिक की बात करते हैं तो ये दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। तो कौन कौन आ गए, ग्रीन सल्फर, नॉन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये इसी के अंदर आते। तो कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे अगर, तो यहां तो बताई थी, इसको छोड़कर और लिख लीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी। कई बार इसको क्या लिखा होता, बी जी ए, तो फुल फॉर्म क्या होगी, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बैक्टीरिया इज देयर। तो दिस इज ऑल अबाउट द राइट अप ऑफ किंगडम मोनेरा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम मोनेरा। हमने अभी बात की कि जब भी किंगडम मोनेरा की बात करेंगे तो दिट कंटेन ओनली यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। कभी भी क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म वर कैप्ट इन द किंगडम मोनेरा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर कैप्ट इन द किंगडम मोनेरा। एंड आफ्टर दैट यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने कहा कि कार्ल वूस एट अल कहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि उसके साथी कार्ल्स वूस एंड एटल ने 5 किंगडम सिस्टम की जगह 6 किंगडम सिस्टम शुरू कर दिया था। तो उसने क्या किया था, जो किंगडम मोनेरा था इसको डिवाइड किया था आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अब जो आर्की बैक्टीरिया है जिसकी बात कर रहे हैं हम, जो आर्की बैक्टीरिया है ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया था, बट इट इज प्रेजेंट इन एवरी हार्श सिचुएशन। मतलब दुनिया की कोई जगह नहीं जहां आपको आर्की बैक्टीरिया नहीं मिलेगी, राइट।
तो इसमें से एग्जांपल है आपके पास, जैसे यहाँ दी दे रखी है एनाबीना। एनाबीना किसका पार्ट है? इट इज़ अ साइनोबैक्टीरिया, या जिसको हम और क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी। तो उसी की एक एग्जांपल है एनाबीना। ये फोटोसिंथेसिस से ट्रैप कर सकते हैं सनलाइट को और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ऑन द अदर हैंड यू बैक्टीरिया, अगर आप यू बैक्टीरिया देख रहे हैं तो यू बैक्टीरिया क्या होता है, जिसमें यू, यू का मतलब है ट्रू, एडवांस्ड। तो यहाँ एडवांस्ड बैक्टीरिया है, ये ट्रू बैक्टीरिया है। अगर आप इसकी बॉडी में देखते हैं तो इनमें सेलवाल प्रेजेंट होती है एंड सेलवाल कंटेन द पेप्टिडोग्लाइकॉन मेनली। दे हैव द फ्लैजिला एंड सीलिया, ये देख रहे हैं धागे धागे से इनके ऊपर जो धागे हैं, दीज आर कॉल्ड द सीलिया, और जो लंबे ये जो टेल पे बड़े हैं दे आर कॉल्ड द फ्लैजिला। तो दे हैव द सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर देयर मूवमेंट्स। दिस इज द अबाउट द किंगडम मोनेरा। ये दिख रहा है, दिस इज द ब्लू ग्रीन अल्गी और साइनोबैक्टीरिया। यू हैव नंबर ऑफ टाइम नोटिस दिस इन द वाटर, पानी में बहुत बार आपने इस तरह देखा होगा, हरा हरा घास निकल जाता है खेतों में आपके, इन द पैडी फील्ड। तो दिस इज द ब्लू ग्रीन अल्गी एंड इट इवन यूज एज द न्यूट्रिएंट। हम इसको न्यूट्रिएंट की तरह यूज करते हैं खेतों में, खुद ब्लू ग्रीन अल्गी को ग्रो किया जाता है बिकॉज इट ट्रैप द सनलाइट एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय फिक्सिंग द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। इसमें हवा में से नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी भी होती है, इसलिए हम इसको खेतों में खुद डालते हैं। बैक्टीरियाज की बात करते हैं या हम मोनरेंस की बात करते हैं, तो दे आर बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस वैसिलस बैक्टीरिया, अगर हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की बात करते हैं, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द मिल्क इनटू द कर्ड और योगर्ट। तो ये वहाँ यूज हो रहा है, राइट। नंबर ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स ही से बनते हैं, बट देर आर द सर्टन बैक्टीरियाज दोज आर हार्मफुल आल्सो, दे कॉज नंबर ऑफ डिजीज, राइट, इन द फीमेल बॉडी, गोनेरिया, सिफिलिस, दीज आर द टू डिजीज, दोज आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। सो मोनरेंस आर बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल फॉर द ह्यूमन।